हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कम्युनिटी टैब के बारे में। कम्युनिटी टैब क्या होता है और उसे कैसे इनेबल किया जाता है। तो दोस्तों, कम्युनिटी टैब यूट्यूब का एक ऐसा फीचर है जिसे हर एक यूट्यूबर यूज करना चाहते हैं। और कम्युनिटी टैब से होता क्या है, कोई भी आपका वीडियो का लिंक है वो आप लोग शेयर कर सकते हो। आप ऑडियंस पोल खोल के वोटिंग भी कर सकते हो। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होगा, जैसे कि आपका चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरा होना चाहिए, उसके बाद आपका चैनल वेरीफाई होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के बाद ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप लोग वेरीफाई नहीं किया हुआ है तो आप लोग ऊपर आई बटन पे मेरा वीडियो का लिंक है, उस पर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड बना चुका हूँ, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद आप ये इनेबल कर सकते हो। उसके बाद आपको दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट सेटिंग करना होगा। जो इंपोर्टेंट सेटिंग क्या है मैं आपको चलिए बताता हूँ। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल खोल लेना है। ब्राउजर में यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है। कुछ सेकंड बाद आपका यूट्यूब स्टूडियो खुल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ सबसे नीचे देख सकते हो सेटिंग है, लेफ्ट कॉर्नर में, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ देखिए जनरल के नीचे चैनल है, चैनल पे आप लोग क्लिक कीजिए। चैनल पे क्लिक करने के बाद आपको ये देख सकते हैं बीच में एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है कि आपका वो किड के लिए ये चैनल नो है या एस है। एस ऊपर होगा यहाँ पे, टिक देखिए वो नहीं करना है, मेरा नो था, उसी पे नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ नीचे आना है, आपको देखिए सब्सक्राइबर काउंट मेरा हाइड है, तो आपको हाइड नहीं रखना है, उसे डिस्प्ले कर देना है। उसके बाद ही आप इनेबल कर सकते हो, नहीं तो नहीं। यहाँ से इतना ही करना है। उसके बाद आप लोग फ्यूचर एलिजिबिलिटी में क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख लेना है तीनों फ्यूचर इनेबल है तो उसके बाद ही आप कर सकते हो। अगर इनेबल नहीं है, आपका जैसे चैनल वेरीफाई नहीं रहता है तो यहाँ दो नंबर का है ना, वो इनेबल नहीं रहता है, तो आपको चैनल वेरीफाई कर लेना है। अगर आपका चैनल वेरीफाई है तो तीनों इनेबल रहेगा। उसके बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में जाना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है कि आप यूट्यूब ऐप्स है उस पर आपको जाना है। यूट्यूब ऐप्स में जाने के बाद आपका जो चैनल का लोगो है उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पे देखिए अबाउट है, उस पर क्लिक कीजिए। अबाउट पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे सेंड फीडबैक है, सेंड फीडबैक पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पे लिखना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे ऊपर फॉर्म में आपका जो ईमेल है आपको ईमेल चेक कर लेना है। उसके बाद आपको ये मैसेज लिख लेना है जो मैंने लिखा है। उसके बाद आप लोग ऊपर राइट साइड में ब्लू आइकन है, उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे लिखा गया है थैंक यू फीडबैक। सेंड करने के बाद आप लोग को कोई मेल आएगा या तो नहीं भी आएगा, 24 घंटे के बाद आपको ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा आपका कम्युनिटी टैब। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को नए हो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, थैंक यू।